गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान को हम कहेंगे राइजिंग पाकिस्तान में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आपकी आज की सुबह बहुत खुशगवार होगी और बहुत पॉजिटिव होगी, बहुत अच्छी होगी, आपका आज का दिन बहुत अच्छा गुजरे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, सारे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ तक हमारी आवाज़ और शक्ल जा रही है। कितनी खूबसूरत बात कहती हैं कि आपका खुशगवार दिन गुजरे, हम तो ये कहेंगे कि आपकी सारी ज़िंदगी खुशगवार गुजरे। खूब मेहनत करें और मेहनत की सलाह हमेशा खुशगवार एहसास के साथ मिलता है। आज जब हम दोनों सिर्फ आ रहे थे रास्ते में, तो हमारी एक डिस्कशन चल रही थी टूरिज्म के हवाले से। हम कुछ प्लान कर रहे हैं, कुछ जाया जाए, कहीं पे जाकर एक्सप्लोर किया जाए, एक वीकेंड्स हमारे पास होते हैं, घूमने फिरने जाएं। मगर सबीन मुझे कहने लगी कि हम घूमने फिरने जाते हैं ना, तो वहाँ पर रिस्पॉन्सिबल टूरिज़्म होना चाहिए। तो मैंने उनसे पूछा, हाउ डू यू डिफाइन रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म? कहती है, मैं तो पूरे पाकिस्तान को बताऊंगी। तो सबीन क्या बताएंगे आप पूरे पाकिस्तान? बिल्कुल जी, रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ये कि आजकल हम देख रहे हैं कि समर वेकेशन से और सब कहीं ना कहीं घूमने फिरने के लिए जा रहे हैं, ठंडे इलाकों में लोग जा रहे हैं, नॉर्दर्न एरियाज हमारे इस वक्त जो है वो सही रौनक है वहाँ पर। तो आप लोगों ने किन चीज़ों का ख्याल रखना है? सबसे पहले ये कि आप लोगों ने कोई वहाँ पर गंदगी नहीं फैलानी। अगर आप वहाँ पर गंदगी फैलाएंगे तो आप अपने ही मुल्क को, अपनी ही जगह को आप पोल्यूट कर रहे हैं, आप उसको गंदा कर रहे हैं। और अपनी जगह गंदी कभी भी, अपनी या वैसे भी कोई जगह गंदी जो है वो अच्छी नहीं लगती। सो आपने वहाँ पर कचरा छोड़ के नहीं जाना अगर आपको लगता है कोई भी वेस्ट है, कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ है। क्योंकि आजकल कैंपिंग का भी काफ़ी, पहाड़ों के ऊपर जो कैंपिंग का काफ़ी ज़्यादा आजकल ट्रेंड चला हुआ है, लोग जा रहे हैं कैंपिंग के लिए। सो ऐसा नहीं कि कुछ भी खाने पीने की चीज़ें हैं या कोई भी ऐसी चीज़ आप वहाँ पर छोड़ कर आ जाएँ जो कि बाद में माहौल को किसी तरीके से आलूदा कर सके। इसके अलावा हामून, मैंने आजकल कुछ वीडियोस देखी हैं सोशल मीडिया पे, जहाँ पर लोग जो हैं, मैंने नोट किया है कि एडवेंचर का बहुत शौक़ रखते हैं। मुझे भी शौक़ है, आपको भी शौक़ है, बहुत सारे लोगों को एडवेंचर का शौक़ होता है। लेकिन एट द सेम टाइम आप लोग ख्याल नहीं रख रहे होते कि ठीक है, एडवेंचरस होने की एक अलग बात होती है, उसका एक अपना मज़ा है, अपना चार्म है। लेकिन एट द सेम टाइम अपनी जान की हिफाजत करना भी फ़र्ज़ है आपके ऊपर। बहुत सारे लोग कहते हैं जी अच्छा हम ये भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे, लेकिन साथ साथ वो रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा नहीं करते, वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होते जिससे उनकी जान जो है वो ख़तरे में जा सकती है। जिस तरह के अक्सर लोग जो होते हैं वो पानी में डुबकियाँ लगा रहे होते हैं, जी हम तैरना, लेकिन वो ये नहीं देखते कि उस पानी की गहराई कितनी है, उसकी वेव्स किस तरह की हैं। कुछ दिनों पहले भी एक वीडियो जो है वो वायरल हुई कि एक बच्चा जो है वो पानी में डूब गया और फिर उसको निकाल रेस्क्यू किया गया। वहाँ पर एक डॉक्टर थी, उनके हस्बैंड थे, उन लोगों ने उनको फर्स्ट एड देकर उस बच्चे को उन्होंने उनकी जान उन्होंने बचा ली। लेकिन ये नौबत क्यों आती है? उसकी वजह यही होती है कि हम लोग ख्याल नहीं रखते कि हमें अपनी जान की हिफाजत किस तरह से करनी है। हम उन आप जहाँ जहाँ जाते हैं, लंबा बोल दिया मैंने, है ना? नहीं नहीं, अच्छा बोला आपने। मैं जिस जाते हैं actually, आप किन चीज़ों का ख्याल रखते हैं? तो मेरे नाम का मतलब भी सियाहत से जुड़ा हुआ सयाह है। हाँ। और जो मेरे लिए बड़ी तकलीफ से बात होती है कि जब हम स्पेशली जाते हैं और हम बारबेक्यू करते हैं या फिर हम खाना बनाते हैं और हम एहतियात नहीं बरतते हैं। हाँ। और उससे क्या होता है कि आग फैल जाती है। और पाकिस्तान में पहले ही जंगलात की तादाद कम है और वो जो नुकसान है वो नाकाबिले तलाफी नुकसान है। अच्छा, आपकी जान को तो ख़तरा है मगर आप माहौल को भी जो है ना पोल्यूट कर रहे होते हैं। और ये जो आलूदगी है, इवेंचुअली हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, हमारे फ्यूचर के लिए बहुत तबाहकुन है। तो हमें इन चीज़ों का एहतियात करना चाहिए। दूसरा, हमें बच्चों को भी सिखाना चाहिए। पिछले दिनों जब सैफुल मुल्क जाने का इतफाक हुआ तो वहाँ जाकर इंतहाई तकलीफ ये हुई है कि आम की गिटलियाँ पड़ी हुई थी, छिलके पड़े हुए थे। हम जाते हैं जब वहाँ पे तो उसको अपने घर की तरह हम साफ़ सुथरा रखें। देखें, आपको बचपन से माँ बाप सिखाते हैं कि जानवर भी जहाँ बैठता है तो पहले उस जगह को दुम से साफ़ करता है। हम तो फिर अशफुल मखलूकात हैं। ये तो बात होगी टूरिज़्म की कि हमें ख्याल करना चाहिए, एहतियात करना चाहिए। और वादा करें आप भी, और ख़ासकर जो बच्चे हैं ना हमारे, ये बड़े विजिलेंट होते हैं और ये फौरन बात को पिक करते हैं। Exactly, और यकीन माने सभी ने, आपने भी देखा होगा कि कभी कभी जो फैमिलीज होती हैं, बहुत कुछ ऐसी फैमिलीज भी होती हैं कि टिश्यूज हों, कुछ चीज़ें हों, तो गाड़ी में एक शॉपर पड़ा होता है, वो उसमें रख रहे होते हैं और कोशिश करते हैं प्लास्टिक के शॉपर्स भी ना हो। बिल्कुल ऐसे ही है, वो नहीं जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही चीज़ें जो है वो हम अपने बच्चों से भी सीख रहे होते हैं। जनाब, आज राइजिंग पाकिस्तान की बात करते हैं। राइजिंग पाकिस्तान आज वाकई चार चांद लगेंगे। आज आप मुझे नहीं कह सकते आप क्यों कह रही है चार चांद। ठीक है, चार चांद लगाते हैं और हम आखिर में बताएंगे कि क्या सरप्राइज है हमारे पास। सबसे पहले बच्चों के लिए हम लेकर आएंगे आज जनाब बिल्कीसन कुतुबुद्दीन। और जब हम बात करते हैं कि हमारे दौर में ये चीज़ें नहीं होती थी जहाँ से हम सीखते थे, लेकिन हाँ पीटीवी होता था और ये हमें अपने बचपन में लेकर जाती है कि हम पीटीवी से किस तरह से सीख रहे होते थे। बिल्कीसन कुतुबुद्दीन हर दिन एक नई बात करते हैं, उनसे हम नई चीज़ें सीख रहे होते हैं। दोनों की बड़े मज़े की केमिस्ट्री और दोनों की बड़े मज़े की गपशप चल रही होती है। तो आप लोग बिल्कीसन कुतुबुद्दीन से क्या सीखते हैं वो आप हमें सोशल मीडिया पर बताएंगे, तमाम बच्चे। और आप लोगों की असाइनमेंट भी मुझे याद है, ऐसा नहीं है कि मैं भूल गई, आमना से पूछती हूँ असाइनमेंट पूरी है कि नहीं पूरी। इसके अलावा क्या आज हमारे इसके अलावा हमारे पास ब्रिलियंट लॉयर
जुगनू काजमी, जो सबसे बेहतरीन बात होती है इन यंग लॉयर्स को जब मैं देखता हूँ, ये बड़े डेडिकेटेड हैं, सोशल वर्क पे भी तवज्जो देते हैं, और ये जो मोहम्मद अली जिन्ना, जो लामा इकबाल चौधरी रहमत अली की जो सुन्नत लेके चल रहे हैं ना, जो लॉयर्स हैं जिन्होंने डेडिकेशन के साथ इस मुल्क को बनाया है, तो ये वो यंग लॉट है जो पाकिस्तान के लिए अपनी सर्विसेज भी दे रही है, और दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन मनी, रादर दे इंटरेस्टेड इन इम्प्रूविंग थिंग्स इन पाकिस्तान। और जो ये काम कर रहे हैं, जो इनकी एफर्ट्स हैं, यहाँ पर आकर आपको एजुकेट भी करते हैं, और आज जिस सेंसिटिव टॉपिक पे वो बात करने जा रही हैं, मैं भी समझता था उसकी बड़ी ज़रूरत है कि हमारे माशरे में एक ये अलमिया है कि जो हमारी खवातीन होती हैं, अगर किसी जुर्म का शिकार होकर वो जेल में चली जाती हैं, उनके साथ नन्हे मुन्ने बच्चे भी होते हैं, उनकी जो तकालीफ है, जो उनके मसाइब हैं, उस पर भी हम उनसे बात करेंगे, और डेफिनेटली उसमें हमें आपकी भी इनपुट चाहिए होगी, क्योंकि एक बड़ा सेंसिटिव किस्म का ये इशू है, और इस माशरे में हम कैसे बेहतरी ला सकते हैं, सब बातें हम उनसे करेंगे, और उसके बाद फिर आपको बताएंगे ज़मीन के हमारे पास चार चांद आज कैसे लगेंगे। आज चार चांद ऐसे लगेंगे कि आप लोगों ने फरमाइश की, हमने कहा राइजिंग पाकिस्तान की ऑडियंस फरमाइश करिए, हम वो पूरी ना करें, पहले हमने कवि खान साहब को बुलाया। आज हमारे प्रोग्राम में आएंगे जनाब एहसन खान, हम सब के पाकिस्तान के सुपरस्टार, आज इनसे हम आपकी मुलाकात करवाएंगे, आज जरा उनसे गपशप चलेगी। और आजकल देख रहे होते हैं ना, कभी कभी ट्रोलिंग हो रही होती है सोशल मीडिया पे, लेकिन वो खुद उसका पार्ट बन जाते हैं बाज़ औक़ात, तो वो वही शुगल मेला सही लगा रहता है, ऐसे ही है ना। आज जरा उनसे हम पूछेंगे कि क्या कहानी है इसके पीछे, कैसे कैसे मतलब इस चीज़ को वो अडाप्ट करते हैं, और किस तरह से लोगों में घुल मिल जाते हैं, और डेफिनेटली उनके एक्टिंग करियर की बात होगी, पीटीवी के साथ जो उनका काम है, उनकी जो यादें वाबस्ता हैं, और अभी भी जो पीटीवी के साथ वो काम कर रहे हैं, क्या आगे भी इरादा रखते हैं कि नहीं, उसके बारे में हम बात करेंगे। बहुत सारी गपशप लगेगी, ज़्यादा मैं रिवील नहीं करूँगी अभी, क्योंकि बातचीत उनसे होगी। इसके अलावा सोशल मीडिया होगा, सोशल मीडिया पर जो है आपके मैसेजेस हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे, आपके पिक्चर्स और आपके प्यारे प्यारे मैसेज, आप लोगों की सजेशन हमें मिल रही होती है, बहुत अच्छा लगता है। हमारे सोशल मीडिया के तमाम लिंक्स इस वक्त स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहे हैं, और आप वहां से हमारा नंबर नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात हमारे जो पर्सनल इंस्टाग्राम अकाउंट है, वहां पर आके लोग हमें कह रहे होते हैं नंबर क्या है, राइजिंग पाकिस्तान का नंबर क्या है, तो नंबर इस वक्त जो है वो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है, और आप वहां से वो नंबर नोट डाउन कर सकते हैं। आप में अगर कोई टैलेंट है तो वो भी आप हमें उसकी वीडियो बना के और थोड़ी सी उसकी डिस्क्रिप्शन दे के आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, क्योंकि राइजिंग पाकिस्तान का येलो सोफ़ा आप लोगों के लिए भी है, क्योंकि आप भी पाकिस्तान के सुपरस्टार ही हैं। खत्म जी, अभी तो इब्तिदा है, अभी तो आगाज हुआ है, ब्रेक लेना चाह रही हैं? बिल्कुल जी, ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक पे चलते हैं, देखते रहिए राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक जी, खुश आमदीद। और अभी हम ब्रेक में बात कर रहे थे, मैं और हामून थोड़ी सी, मैंने कहा कहते हैं जी बहुत शरारती हैं, तो मैंने कहा मैं बचपन से बहुत शरारती हूँ, बचपन मुझे शरारते बचपन से, अभी बचपन चल रहा है, थोड़ी सी जब ज़्यादा छोटी थी तो उस टाइम से मैं बहुत ज़्यादा शरारती हूँ हमेशा से। कुछ शरारतें मुझे अपनी याद हैं, जिस तरह से बेल बजा के भाग जाना, ये अच्छी बातें नहीं, हम इनको इनकरेज नहीं कर रहे, सिर्फ शरारतें, आप इतनी अच्छी एथलीट हैं, अच्छा अच्छा अच्छा, दैट इज अ सीक्रेट, सिर्फ शरारतें बता रहे हैं, बेल बजा के भाग जाना, बेल पे टेप लगा के भाग जाना, है ना। आप आपकी कौन सी शरारतें? मेरी शरारतें, मैं तो बड़ा मासूम सा बच्चा था, चाय में थोड़ी चीनी तेज कर देना, सालन में मिर्चें डाल देना, और फिर उसके बाद अम्मी जान का कहना ये तुम ही हो, हम माशाल्लाह सिक्स ब्रदर्स एंड सिस्टर, तीन भाई तीन बहने, मगर शरारते वो भी करते थे, तो शामत मेरी ही आती थी, हाँ मेरी आती थी, जो बड़ा होता है ना अक्सर हाय छुरी उसके गले पे चलती है, क्या बताएं आपको। बचपन की शरारतें जो हैं, बच्चों की जो सबसे ज़्यादा बड़ी शरारत होती है जो टेप्स लाने वाली होती है, मगर आप बताओ बच्चों की सबसे बड़ी शरारत क्या होती है? बच्चों की सबसे बड़ी शरारत बच्चे बताएं, एक कैमरा देखकर अक्सर जो मैं करती थी वो ये कि अगर कैमरा लगा होता था तो कैमरा देख कर ऐसे नकलें चढ़ा के, अच्छा वो बच्चा है, अच्छा अच्छा समीन वो बच्चा है जो शादी की पिक्चर में दुल्हा दुल्हन ऐसे बैठे होते हैं और एक बच्चा हर तस्वीर में ऐसे आगे खड़ा, हर तस्वीर में, ओह गॉड, अच्छा अच्छा ये वो बच्चा है, ठीक ठीक, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा जी, हम अपनी बातें इस तरह से इस सेगमेंट में हम कनेक्ट कर रहे होते हैं आपके साथ, जितने बच्चे हमें देख रहे होते हैं, कि क्या वही बचपन है अभी आप लोगों का जो कि हमारा बचपन था, या आपकी शरारतें बदल चुकी हैं, अब आप कैसे शरारतें करते हैं हमें ज़रूर बताएं सोशल मीडिया पे, हम जानना चाहते हैं और हम देखना चाहते हैं कि आपका बचपन कैसा है, हम देखना चाहते हैं दौर कितना बदल गया है। लेकिन हम इर्द गिर्द भी जब लोगों को देखते हैं, अक्सर औकात छोटे छोटे बच्चों को जब हम देख रहे होते हैं, अपनी फैमिली के बच्चों को, तो उस टाइम हम देख रहे होते हैं कि ये वाली जो कुछ शरारतें हैं, ये बड़ी एवरग्रीन है,
कहना नहीं चाहिए लेकिन ये बहुत एवरग्रीन होती है, जैसे बेल बजा के भाग जाना, कैमरे को देख के नकले चढ़ाना, गेम में अगर अक्सर ओकाज जो होता था वो जब क्रिकेट खेल रहे होते थे तो आउट हो जाना, लेकिन कहते जी मैं तो आउट ही नहीं हुई, वहाँ पे रोंदी डाल देना। अच्छा, मैं तो बैट लेके भाग जाता था। अच्छा हाँ, और दूसरा हमारे बचपन में कुछ गेम्स ऐसी होती थी जो आप नहीं है, जैसे एक 12 गोट होती थी, शतरंज खेलते थे, हार जाते थे तो सारा जो है ना, और खासकर लूडो भी लेके भाग जाते। लूडो की तो लूडो में सबसे मजा आता है, लूडो में तो अभी भी ऐसे ही होता है कि आप हारने लग जाए जहाँ पर आप मजे से सारी गोटियों को ऐसे कि मैं नहीं खेल रहा, मैं जा रहा हूँ या मैं जा रही हूँ, बस बात खत्म। हम भी सारी ट्रिक्स हम बता रहे हैं, लेकिन आप कहने का मकसद है कि आप लोगों ने हमें ज़रूर बताना है सोशल मीडिया पे कि आप लोग अब क्या शरारतें करते हैं, या अगर अभी पेरेंट्स हमें देख रहे हैं तो वो हमें बताएं कि आपके बच्चे कैसे क्या शरारतें करते हैं जिनसे आप बड़े तंग हैं कि ये शरारतें हैं और ये। लेकिन इस बात का बहुत ख्याल रखना है कि शरारत शरारत ही होनी चाहिए, मजाक है, शरारत कर दी, चले गए, बचपना इसमें गुजरता है, लेकिन उसमें किसी दूसरे का नुकसान नहीं होना चाहिए, ना तो जानी नुकसान, ना ही जहनी नुकसान। इमोशनल स्ट्रेस किसी को नहीं देना आप लोगों ने, और इसके अलावा किसी का माली नुकसान भी नहीं होना चाहिए। सोशल मीडिया पे हमें ज़रूर बताएं। सोशल मीडिया सेगमेंट जो है वो हमारा आज भी काफ़ी लंबा है, इसलिए मुझे लगता है पिक्चर्स, हाँ पिक्चर्स सबसे पहले हम शेयर करते हैं जनाब। सबसे पहले हमें पिक्चर्स भेजी हैं बानो राजपूत ने जेहलम से, आइए देखते हैं जनाब नेचर की सैर सुबह सुबह जनाब, कुदरत के नज़ारे। बानो ने हमारे लिए क्या भेजा है देखते हैं। अरे बताएं क्या है? ये पेड़ है तो और क्या है, मतलब क्या है उसके पीछे? रोशनी है, रोशनी है, रोशनी ही दिख रही है मुझे है बड़ा। अच्छा ये बताइए कौन सी जगह? ये मुझे नहीं पता कौन सी जगह ये सारे। अच्छा तो... ये तो फेरी मेडोज है ना। अच्छा ये सामने नांगा पर्वत नजर आ रहा है। वाह ऐसे ही है, ऐसे ही नांगा पर्वत नहीं है, नांगा पर्वत इज ह्यूज, जमीन या बीन टू K2 नांगा पर्वत मैं यहाँ नहीं गई। अच्छा अच्छा अच्छा, वो तो मैं जरा ऐसे ही दिल लगी कर रहा था। और ये फिर आपकी पसंद का मंजर आ गया, क्या बात है, सनराइज है, सूरज उग रहा है या डूब रहा है, सूरज उग रहा है या डूब रहा है, ये हमेशा हमारा सवाल रहता है, ये हमेशा हमारा सवाल रहता है। बिल्कुल जी, बताया करें, थैंक यू सो मच बानो। अच्छा जी, कामरान हैदर ने हमें खुशाब से तस्वीरें भेजी हैं, आइए देखते हैं। और ये तस्वीरें हैं पीकॉक की, पीकॉक हाँ वही है सबसे पहले, मोर मोर है ना, हाँ जी मोर एंड मोर। आपको पता है खुशाब की एक चीज बड़ी मशहूर है, क्या खुशाब का एक खास हलवा है वो बड़ा मशहूर है। अच्छा, हम तो आप कब विजिट करें आप ये बताएं? जब इनवाइट करेंगे, जैसे हुंजा से कल हमें इनविटेशन आई, हम खुशाब से इनविटेशन आएगी वहाँ भी चले जाएंगे, हाँ फिर हलवा लेके आएंगे। अच्छा आप नहीं जा रही? ओहो ठीक है ठीक है। देखें ये हलवा कहती है, कहती है समोसे हलवा पूरियां जब लाते हैं तो ओह मैं डाइटिंग पे हूँ। Not at all. अच्छा, ओहो, ये सब देख के भी जो कमेंट्स आ रहे होते हैं ना, मैं आपको बता नहीं सकती, ऐसा बिल्कुल नहीं। अच्छा, अच्छा, अच्छा मोहम्मद रोहेल ने हमें पिशावर से मैसेज भेजे, आइए देखते हैं रोहेल ने हमें क्या भेजा है। ये क्या है बताएं, चलें। मस्जिद है, अल्लाह ताला का घर है। और ये बड़ा टॉप शॉट लिया है कि किसी ऊंची जगह से उन्होंने शॉट लिया, बड़ा खूबसूरत नज़ारे हैं हमारे पास। और अगले क्या पिक्चर है? थैंक यू सो मच रोहेल, हमें नेक्स्ट पिक्चर्स भेजी हैं जी आलमदार हुसैन ने लैया से, आइए देखते हैं जी आलमदार ने हमारे लिए क्या भेजा है आज। क्या है ये? फल है, अनार है ये, अनार है ये। एक अनार सो बीमार, एक अनार है और दूसरा अमरूद है। अच्छा देखिये मेरे पास कितनी इन्फॉर्मेशन है ना, मुझे सब पता होता है। ये देखिए बादशाह आ गया है, ये बादशाह है, ये बादशाह है। हमारी मैंगो पार्टी हो चुकी है, इसके साथ ही हम नाज़रीन को बता सकते हैं थैंक यू हामून, मैंगो पार्टी बहुत अच्छी थी। ये राशिद जहांगीर हमें बताएंगे कि ये आम की कौन सी किस्म है, नहीं इस किस्म का नाम बताए ना आप हमें। कह रहे हैं इसका नाम है अनवर। हमारे जी प्रोड्यूसर जो है राशिद साहब, उनको अच्छा ये तो आमों की एग्जाम का पता होता है, तो हमने सोचा उनसे कंफर्म करें हम जरा। ये जलेबी कहाँ से आई है, किस शहर से? मुझे क्या पता कहाँ से, लैया से आई है। अच्छा लैया से जलेबी आई है, वैसे जलेबी के लिहाज से वाले से लिया, मुझे क्या पता। आपको तो जलेबी के लिहाज से जलेबी जो मशहूर है पाकिस्तान में रावलपिंडी मई रोड पे होती है, ग्राटो जलेबी, वो बड़ी मशहूर है पूरे पाकिस्तान में। वो वैसे मुझे भी बहुत पसंद है, वो भी मुझे बहुत पसंद है। अच्छा जी थैंक यू सो मच जी। अच्छा जी कुरतुल्लैन हाशमी ने हमें खुशाब से पिक्चर्स भेजी है, आइए देखते हैं कुरतुल्लैन ने क्या भेजा है।
अच्छा ये मट्टी का उन्होंने छोटा सा एक मॉडल बनाया हुआ है। अच्छा अच्छा हवेली का। बिल्कुल 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 मॉडल है ये। एग्जैक्ट थोड़ी चीजें ना हमें आइडेंटिफाई करने में यहाँ पे टाइम लग जाता है कि आखिर बना हुआ क्या है। एक तो चीजें मिसिंग है, बाकी तो कंप्लीट हो गई है। क्या मिसिंग? गाय भैंस नजर नहीं आ रही है। गाय भैंस नजर नहीं, लेकिन गांव का मंजर दिखाया है इसके अंदर। तो गांव में गाय भैंस के बगैर गांव कैसे मुकम्मल? मैं कह रही हूं आप ठीक कह रहे हैं। ओह अच्छा अच्छा, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। अच्छा जी, कुछ मैसेजेस हैं जल्दी प्रोग्राम में वो भी हम शामिल करेंगे। पहला मैसेज आपके पास है। उमर मेहर ने लिखा है चिश्तियां से, शो की तारीफ जितनी भी करूं कम है, खासकर मुझे जो है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो सेगमेंट है मुझे बहुत अच्छा लगता है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू वेरी मच उमर। थैंक यू जी। बुशरा ने हमें टोबे टेक्सिंग से मैसेज भेजा है। बुशरा कहती हैं अस्सलाम वालेकुम सबीना पी और हामून भाई। वालेकुम अस्सलाम। कहती हैं सबीन आज आप बहुत प्यारी लग रही हैं। आई थैंक यू, आपकी स्लीव्स का डिज़ाइन बहुत ज़बरदस्त है, बहुत शुक्रिया जी। नोवेरा ने कल बहुत अच्छी बातें की, हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। बिल्कुल जी, नोवेरा का सेगमेंट कल बहुत अच्छा था और बच्चे क्या बड़ों ने भी उससे बहुत ज़्यादा रिलेट किया, क्योंकि नोवेरा की बातें छोटी छोटी ज़रूर है लेकिन उनकी बातें बड़ी हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है कि बच्चों में एक चेंज हम देख रहे होते हैं, उनकी एक सोच हम देख रहे होते हैं कि एक्चुअली बच्चे कहाँ तक सोच सकते हैं और उनसे भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। सो नोवेरा अब अगली दफ़ा भी बहुत अच्छा टॉपिक लाएंगे। कल ज़रा हमने बुलिंग के बारे में बात की थी। हाँ, बुलिंग के बारे में बात की थी और अब अगला मैसेज लेके चलते हैं, क्योंकि बुलिंग को हमें हर जगह पे कंडेम करना चाहिए। खुरम शहजाद है गुजर खान से लिखते हैं कि राइजिंग पाकिस्तान देखकर मूड बड़ा फ्रेश हो जाता है और ये मेरा फेवरेट शो है और इसके ज़रिए हम बैठे बैठे पूरे पाकिस्तान की सैर कर लेते हैं और ये मेरा फेवरेट सेगमेंट है सोशल मीडिया का। थैंक यू वेरी मच खुरम। हाँ, इसी बात की तो हमें भी खुशी हो रही होती है कि हम कहीं जा नहीं पा रहे होते खुद से, लेकिन हम बैठे बैठे पूरे पाकिस्तान की सैर कर लेते हैं। सो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और दूसरा, ये जो हमने वीडियो पैकेजेस दिखाने वाला एक जो सिलसिला शुरू किया है, वो बेसिकली जो टूरिज़्म है पाकिस्तान में उसको प्रमोट करने के लिए हमने सिलसिला शुरू किया हुआ है और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के कोने कोने की हम सैर कर सकें और कुछ पैकेजेस जो हैं वो हम दिखा भी सकें। आज वक्त बहुत कम है, पैकेजेस तो हम नहीं दिखा फिर कभी दिखा सकेंगे, लेकिन डेफिनेटली टूरिज़्म का ये जो सेगमेंट है ये जारी रहेगा इसी तरीके से। अब हम जाएंगे ब्रेक पे। ब्रेक के बाद क्या होगा? ब्रेक के बाद आपके लिए सरप्राइज होगा। जो अभी हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं और जो पहले कनेक्ट हो चुके थे सरप्राइज तो बता चुकी थी, सो मैं जो अभी कनेक्ट हुए उनके लिए सरप्राइज रखना चाहूंगा। हाँ, इतना बता दूं कि एक ऐसा सरप्राइज है जो कि बहुत ही खूबसूरत सरप्राइज है। अगर आप सिनेमा स्क्रीन की बात करें, आप टीवी स्क्रीन की बात करें, उससे खूबसूरत चेहरा शायद ही पाकिस्तान में हो। ओहो, सरप्राइज तो खत्म हो गया, सब कुछ तो पता लग गया होगा। अच्छा, ज्यादा बातें नहीं करेंगे। राइजिंग पाकिस्तान।